जय श्री राम। हमने पिछले वीडियो में राम नाम जप, फिर राम नाम लिखे बिल्वपत्र का ये बात आपको बताई। आज हम एक और बात आपके सामने रख रहे हैं। यह श्रावण मास जो चल रहा है, इसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए एक और सरल उपाय है, वह है श्री रामचरित मानस पाठ, रामायण पाठ। रामायण एक काफ़ी लंबा ग्रंथ है, समय का अभाव भी रहता है, किंतु इसके कई सरल उपाय हैं। रामायण का पहला उपाय है अखंड पाठ, जिसमें आप सूर्योदय से शुरुआत करते हैं या उसके पहले आप शुरुआत करते हैं, और जब तक मानस पाठ नहीं होता तब तक निरंतर पाठ चलता रहता है। यह पाठ कुछ लोगों की ऐसी क्षमता है कि अकेले भी करते हैं, किंतु यह बहुत दुर्लभ है, कई लोग मिलकर अखंड पाठ करते हैं। दूसरा पाठ है सुखंड। सुखंड पाठ में सुबह आपने संकल्प लिया, जितना हो सके उतना आप पाठ करिए एक दिन में, और फिर दूसरे दिन आप पूरा पाठ कर लीजिए, यह सुखंड हो गया। और तीसरा है नवान पारायण। यह संकल्प लेकर 9 दिन में रामायण का पूरा पाठ किया जाता है। और चौथा है मास पारायण। मास पारायण में एक मास में, एक महीने में रामचरितमानस का पाठ पूरा होता है। इस श्रावण महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इनमें से कोई भी तरीका चुनकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत सरल उपाय है, मानस पाठ बहुत आसानी से किया जा सकता है, आप स्वयं कर सकते हैं। और हम अपने YouTube चैनल पर इसका पाठ भी किए हुए हैं, आप उससे भी सुनकर रामायण पाठ करके या मात्र सुनकर भी आप यह शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए यह उपाय जरूर कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री राम।